OnePlus 7T मेरे हाथ में आप देख सकते हो, ये लंबा सा बॉक्स, हालांकि फोन इतना लंबा नहीं है लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है मतलब बहुत ही कमाल की है। OnePlus 7T अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है, बहुत वैल्यूएबल फोन है, तो हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स यहाँ पे और देखते हैं क्या कमाल की चीज निकलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये आ गया हमारे पास OnePlus 7T। यहाँ पे आप देख सकते हो OnePlus 7T की बैजिंग है, ब्रांडिंग है, OnePlus का यहाँ पे लोगो बना हुआ है। पीछे आपको डिटेल्स मिल जाती है कि भाई फोन की जो पैकेजिंग वगैरह है कब की है, फोन का वेरिएंट कौन सा है, तो ये ग्लेशियर ब्लू है। एक तो 128GB का वेरियंट है ये, इसमें आपको 8 और 256GB का वेरियंट भी मिल जाता है। ईयर ऑफ इम्पोर्ट, प्राइस वगैरह, IMEI नंबर, ये सारी चीजें मिल जाती है। इस पर क्विक स्पेक्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो चलो वो सब तो हम अंदर देख लेंगे। उसके बाद भाई सबसे कमाल की चीज मिलती है यहाँ पे, जो इसका टैगलाइन लिखा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज OnePlus 7T। तो चलो फिर हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो इसकी प्लास्टिक मैंने उतार दी है, सिंपल आपको इसको होल्ड करके रखना है और ये बड़े प्यार से आ जाता है मतलब, तो इसको रखते हैं साइड में, फिलहाल इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे आपको OnePlus का ब्रांडिंग मिल जाता है यहाँ पे फ्रंट में, यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से। तो यहाँ पे इस टैग को हम निकालते हैं बाहर, तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ मैनुअल आ जाता है। इसको अगर हम फर्दर पुल करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इन्विटेशन लेटर आ जाता है, यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या है। OnePlus का लोगो वगैरह है, हाउ टू यूज ये सब है, नेवर सर्कल इसका टैगलाइन है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे क्विक स्पेक्स है और कैसे यूज करना है वो है। यहाँ पे OnePlus का आपको स्टिकर मिल जाता है, तो ये दो स्टिकर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पे आपको फोन देखने को मिल जाता है एग्जैक्टली OnePlus। फर्दर देखते हैं बॉक्स के अंदर, तो इसको भी पुल करते हैं हम, और उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं आपको। इसको फर्दर ओपन करने के बाद हमें ये तीन चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है और इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वॉप चार्जर मिल जाता है, जो कि इसकी खासियत ये है कि लगभग 30 मिनट के अंदर ये आपके फ़ोन को 70% तक चार्ज कर देता है, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। मतलब ऑन द गो आपको कहीं जाना है, बैटरी बैकअप नहीं है, तो इसको लगाओ 30 मिनट के लिए एंड यू आर सेट टू गो। तो ये थी सारी बातें यहाँ पर चार्जर के बारे में। उसके साथ इस चार्जर में यूज़ करने के लिए ये आपको मिल जाता है USB Type-C। बाकी जो वायर की क्वालिटी है काफ़ी थिक है, काफ़ी प्यारी है, कलर मतलब जो वाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है, कॉन्ट्रास्ट है, ये काफी प्यारा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे OnePlus आपके फोन की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको दे देता है कवर, तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन कवर मिल जाता है जो कि OnePlus की तरफ से है, तो डेफिनेटली क्वालिटी काफी अच्छी होगी इसकी। और एक टेम्पररी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, मतलब आपने नया नया फोन खरीदा है, आपको कवर इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, तब तक के लिए आप इस कवर से अपने फोन का प्रोटेक्शन वगैरह मतलब काम चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको सिम इजेक्टर टूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी आपको बॉक्स के अंदर ही आता है। तो भाई ये हो गया फोन के सारे भाई बहन, मतलब इनके बिना फोन चलेगा नहीं। लेकिन अब बात करते हैं एक्चुअल चीज की, जो कि हमारा फोन OnePlus 7T। तो ये मेरे हाथ में आ चुका है OnePlus 7T और इसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो फोन को ओपन करने के लिए यहाँ पे इस प्लास्टिक को हम करते हैं पुल और ये भाई आपका फोन आ गया हाथ में। अब फ्रेंकली मैं यहाँ पे लुक एंड फील की बात करूं तो हाथ में आने के बाद आपका जो फोन है काफी प्रीमियम दिखता है। हाथ में बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं आती कि आपने मतलब चीप प्लास्टिक पकड़ा हुआ है या कुछ मतलब ऐसी एलिगेली सी चीज पकड़ी हुई है, काफी प्रीमियम फोन दिखता है। ये मेरे पास जो है ब्लू कलर का फोन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा ग्लॉसी में बहुत सारे ऐसे फोन होते हैं जहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे इतना फिंगरप्रिंट का इंपैक्ट नहीं आता है। तो फोन की बात कर ले तो फ्रंट में आपको कुछ ऐसा फोन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीकर के कटआउट है जहाँ से आप आवाज सुन सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरे का कटआउट मिल जाता है एक छोटा सा नॉच पे, और फ्रंट में और कुछ देखने को नहीं मिलता है। बैक में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका कैमरा, जो कि इस फोन की सबसे खासियत है। और भाई यहाँ पे कैमरे की बात करें तो एक 48MP का मिलता है, एक 12MP का मिलता है और एक 16MP का मिलता है। 48MP का जो है वो आपका प्राइमरी कैमरा होता है, 12MP यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टेलीफोटो लेंस के साथ, जो कि आपको बोके इफेक्ट वगैरह देता है। और उसके साथ यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है वो 16MP के कैमरे के साथ मिल जाता है, जिसका जो फील्ड ऑफ व्यू है 117 डिग्री का मिलता है, मतलब काफी वाइड फोटोज आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके साथ यहाँ पे ड्यूअल टोन LED फ्लैश मिल जाता है और ये थोड़ा सा बम्प है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बम्प है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा कवर की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ बात करें तो OnePlus की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे सिंपल सा OnePlus लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि काफी एलिगेंट लगता है इस ब्लू कलर के ऊपर। तो ये यार ये फोन का जो रियल व्यू है मतलब अमर से काफी प्रीमियम है। साइड प्रोफाइल देख ले तो यहाँ पे आपको साइलेंट बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का रॉकर बटन मिल जाता है। नीचे के कटआउट देखे तो यहाँ पे आपको स्पीकर का कटआउट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है जिससे आप फोन को चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर ट्रे, तो यहाँ पे आप अपनी सिम वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं आता है लेकिन जितना है काफी है। अदर
साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाते हैं, और यहाँ पे टॉप पे देखें तो सिर्फ आपको एक माइक का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो नॉइस कैंसलेशन वगैरह के जो फीचर्स हैं काफी प्रीमियम देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसको हम क्विकली बूट कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे की कार्रवाई। और ये फाइनली फ़ोन हमारे पास आ चुका है बूट ऑन होके, और ये कुछ परमिशन मांग रहा है तो ये सारी परमिशन हम दे देते हैं। कलर ओएस के साथ आता है तो यहाँ पे वन प्लस प्रॉमिस भी करता है कि आपको टाइमली लेटेस्ट ओएस का सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता रहेगा, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। फिलहाल जो बात थी वो सारी थी इस फ़ोन की फर्स्ट लुक की और फर्स्ट अनबॉक्सिंग की। तो फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। तो यार ये थी यहाँ पे सारी बातें वन प्लस 7T के बारे में। इसमें दो वेरियंट आते हैं, वन प्लस 7T, वन प्लस 7T प्रो। मेरे पास जो था वन प्लस 7T था, और उम्मीद करता हूं आपको फोन पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, बिल्कुल कर देना, और आगे मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।